गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कहीं भी जाऊँगी तो आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी, ताकि आप सब भी जान सकें कि हमारे जबलपुर में होता क्या क्या है। देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो तो आप लोग गूगल से देख सकते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जाके एट प्रेजेंट आपको वहाँ की स्थितियाँ बता सके तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अपने साथ आप लोगों को लेके चल रही हूँ एक एग्जीबिशन में, जिसका इन्विटेशन हम लोगों को आया है। हालांकि एग्जीबिशन हो या म्यूज़ियम, मेरा उतना मन नहीं करता है जाने के लिए, लेकिन उत्कर्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी कुछ बनता है, तोपें बनती हैं, राइफल वगैरह की बहुत सारी बुलेट्स बनती हैं, टाइप्स ऑफ बुलेट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारे फ़ीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, और जिस प्लेस पर हम लोग जा रहे हैं उसका वो यहाँ पर खमरिया बोलते हैं। खमरिया यहाँ जबलपुर से थोड़ा आउटर में पड़ता है, और वहाँ पे ही ये सारी फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पे आप ये सारे उत्पादन कर सकते हैं, जो सिटी से बहुत दूर होता है आउटर एरिया में। सो में बैठ के थोड़ा ग्रीनरी हो, बस मुझे तो खाली फ्री सड़क मिल जाए और बीचों बीच मैं रहूं और आसपास हरे हरे नज़ारे, हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, यही सोच के हम लोग जो है निकल चले हैं। और चूँकि बारिश वाला मौसम हो रहा है, इसलिए हम लोगों को अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ रही है, अदरवाइज़ मुझे बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है। और आप मौसम का हाल देख सकते हैं, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, कहीं पे वाइट, कहीं पे एकदम ब्लैक, ऐसा लग रहा है अभी बरस जाएंगे। सो मौसम का फ़ायदा भी उठाऊंगी, थोड़ा सा एंजॉय करूंगी और बस आप लोगों को चल के दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है उत्कर्ष, क्योंकि उसको स्कूल में बताया गया है इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कितने बच्चे वहाँ पर उसके मिलेंगे, उसके फ्रेंड्स वगैरह, तो देखते हैं हम लोग। और काफ़ी दूर है, इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप देख सकते हैं आसपास कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये एक तरह से जंगल एरिया पड़ता है, और यहाँ पे अभी तो आपको थोड़ा बहुत कुछ लोग नज़र आ जा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको लेपर्ड और जैकल ये सब बहुत ईजीली दिख जाएंगे। हमारे यहाँ सियार भी बहुत बोलते हैं इस तरफ, तो ये सारे भी कभी कभी हम लोगों को गाड़ी में से दिख जाते हैं, अगर यहाँ पे सुनसान होता है तो। और यूजुअली हम लोग सफारी वगैरह में इतना एंजॉय नहीं करते हैं जितना यहाँ पे साक्षात देख के मज़ा आता है। सडनली आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए नज़ारा, तो आप स्तब्ध भी रह जाते हैं और अच्छा भी लगता है। लेकिन दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं यहाँ पे, जितने भी मवेशी वगैरह होते हैं उन सब की जान जोखिम में होती है। आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी तोपें लगी हुई नज़र आ रही हैं। सो देखते हैं हम लोग सही रास्ते पर हैं या नहीं। यस, यहाँ पर खमरिया लिखा हुआ है, सो हम लोग एंटर कर चुके हैं। और आप अंदर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, लेकिन ये एरिया भी तो यूनिवर्सिटी से कोई कम थोड़ी ना है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, इतना सारा इन्वेंशन होता है, और प्रैक्टिकल भी शायद यहीं पे किया जाता है। अभी ज़्यादा डिटेल मुझे मालूम नहीं है, मैं वहाँ पहुँच के ही आप लोगों को बताती हूँ। दूर दूर तक यहाँ पे किसी ऐसे स्थान को मैं नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पे रुक के हम थोड़ा पूछ सकें, बस सारे लोग आते जाते ही नज़र आ रहे हैं। सो कहीं गाड़ी रोक के हम लोगों को देखना होगा, पूछना होगा कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेट्स थे, उसमें से एक को हम लोगों ने चूज़ किया है। तो हम लोगों को जिस फैक्ट्री आना था, जहाँ का इनविटेशन था, पता नहीं हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो बंद हो गया या हम आगे आ गए हैं। हम लोग पहली बार इस एरिया में आ रहे हैं। सो इसके पापा गए हैं पता करने सामने, और बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, पता नहीं यहाँ पे कैप्चर करना अलाउ है कि नहीं, लेकिन बहुत सारी पुलिस वगैरह लगी हुई है। सो देखती हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ ले पाऊँगी तो ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने तो हमेशा ही कहा है ना कि जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ आते आते कितनी तेज़ धूप हो गई है। सो हम लोग एग्जीबिशन में अंदर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आप फ़ोटो नहीं लें या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सब कुछ नहीं है। बस यहाँ पे लिखा था आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं, और जितनी भी बुलेट्स वगैरह थी बच्चे तो उसे खिलौने जैसे उठा रहे थे। हालांकि ये सब बहुत हैवी थी और इनका पूरा डिटेल यहाँ पीछे लिखा हुआ है। और जितने भी मेम्बर्स यहाँ पर थे वो शायद लंच करने चले गए थे, क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आया। कुछ लोग डेमोंस्ट्रेट कर रहे थे,
और कुछ आराम से बैठे हुए देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो पोज करके फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, और ये सब वाकई में बहुत हैवी थे, बहुत ज़्यादा हैवी। मुझसे तो हिला भी नहीं, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी कोई फ़ोटो वगैरह खिंचवा पाऊँगी, और मैं ऐसी कोई हिमाकत करना भी नहीं चाहती थी। रीज़न कोई नस वस चढ़ गई तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि मैंने जैसा एग्जीबिशन सोचा था, ये उसके जस्ट अपोजिट है। जब किसी भी चीज़ को सारे लोग उठा उठा के देख रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अपने मन मर्ज़ी के इधर उधर लेके कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स देखने के लिए लाइन में लगे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। क्या रखा होगा? हाँ हाँ, फाइटर तुम्हारे लिए तो आगे रखेंगे, क्योंकि उत्कर्ष पाठक आ रहे हैं देखने के लिए। बहुत बड़ा है, लेकिन जो जिस हिसाब से हम लोग को इन्विटेशन मिला है उस हिसाब से यहाँ चीज़ें बहुत कम है। इससे ज़्यादा हमारे खुद के एरिया में बड़े बड़े बम, बड़ी बड़ी तोप, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और सबसे बड़े तोप तो हम खुद हैं। इसलिए हमारे यहाँ फटने का मन कर रहा है। क्यों जी को, इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी तो हम लोग के बीकर मोड़ फैक्ट्री में है ना। सो ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आया नहीं इन सभी चीज़ों को देखने में, और बस अब हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उनके ऊपर सारा सब लिखा हुआ है, और सच में काफ़ी हैवी है, और इनमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, कितने किलो है, कैसे इनका यूज़ प्रोसेस होता है, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। सो हम लोग उसे देखते हुए एक नज़र आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों प्लांट्स देख के ना चोरी की भावना मन में आती है। देखो ये प्लांट बेचारा, उफ, ये मेरे पास होता तो इसकी कितनी केयर होती, ले जाऊँ क्या उठा के। लेकिन लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इतने सारे माली लगे हुए हैं फिर भी, और वेदर बहुत प्यारा हुआ है। कुछ दिनों बाद मेरी खुद की जो है फ़ोटो निकलने लगे कि ये महिला जहाँ जाती है वहाँ से प्लांट्स चुरा के लेके जाती है। रोक दिया हमने, तुम पता ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ पे फंसा के रोक दिया गया, तुम्हारी माँ तुमको बचाने आ रही है, चल मेरे जमूरे चल। और माँ ने बच्चे को बचा डाला, ठीक हो, इधर आओ, मैंने तुम्हारी रक्षा की, इधर आओ, हम नहीं फंसे, हमने तुमको बचाया है। और तो कुछ यहाँ पे खास देखने को मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो स्टोरी बना लेते हैं। इतने सारे बम वगैरह सब लगे हुए हैं, सब पे लिखा हुआ है कौन कितना किलो का है, क्या है, कितना हैवी है। तो मज़ा आया, हम लोग स्टोरी बना रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे हंसने लगते हमारी स्टोरी सुन के, लेकिन अच्छा लगा। और कुछ करने को तो देखो है नहीं, फन वगैरह जो सोच के आए थे उस हिसाब का तो कुछ नहीं। वाह कितनी सुंदर क्लाउड्स हैं, दिखाती हूँ। चलो भाई गाड़ी खोलो, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? देखो गंदी बात, दूसरे की जेब में हाथ नहीं डालते, तो क्या हो गया। बस इसी के साथ हम लोग अगले गंतव्य की ओर चले, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।